हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइड चिकन कैबेज रोल की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चूल्हे पे बिठा देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और तेल को भी गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक और 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड लहसुन, और इनको हल्का भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए। ये थोड़ा सा भुन चुके हैं। अभी इनमें हम डाल देंगे चॉप्ड किए हुए प्याज। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप्ड करके लिया है। और अभी इन सारी चीजों को हम 1 से 2 मिनट तक फिर से भुनेंगे। और अभी हम डाल देंगे चॉप्ड किए हुए बंद गोभी 1 कटोरी, साथ में डाल देंगे ग्रेटेड आलू और गाजर। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। और अभी हम डाल देंगे 50 ग्राम चिकन। चिकन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। और अभी हम डाल देंगे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई जीरा और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि सारी सब्जियां और चिकन अच्छे से कुक हो जाए। और अभी इसे हम ढककर रख देंगे और ये जब तक पक रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में हमने लिया है 2 कप बेसन, और अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है। अभी हम ढक्कन उठा लेते हैं और सब्जियों को थोड़ा सा चला लेंगे। और अभी इसमें लास्ट में हम डाल देंगे चॉप किए हुए धनिया के पत्ते, और इनको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं। और अभी इसमें हम पानी डालेंगे और एक बैटर बना लेंगे। भजिए बनाने के लिए जैसा बैटर हम बनाते हैं उसी तरह का बैटर ही हमें बनाना है, ना ही ज़्यादा
कड़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और इसी कंसिस्टेंसी का बैटर ही हम चाहिए। और अभी हम पत्ता गोभी को बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पर चूल्हे पर हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए बिठाया है और अभी इस पानी में हम डाल देंगे छोटा आधा चम्मच नमक और पानी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है बंद गोभी के पत्ते। बंद गोभी के पत्तों के पीछे बीच में जो ये लंबा वाला सिरा है इसे हमने थोड़ा सा पतला करके काटा है ताकि आसानी से इससे हम रोल बना पाएं। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी के पत्ते और इनको 20 से 25 सेकंड तक हम बॉयल कर लेंगे ताकि ये जो पत्ते हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये हाफ कुक हो चुके हैं, अभी इनको हम पानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सारे पत्ते पानी से निकाल लिया है और अभी इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो अभी हम रोल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक थाली में हमने लिया है एक गोभी का पत्ता और अभी इसके बीच में हम डाल देंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग हमने डाल दिया है और अभी इसे रोल कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे रोल्स बना लिया है, अभी इनको एक एक करके बैटर में डिप कर लेंगे। तो पहला वाला रोल हमने ले लिया है और अभी इसे अच्छे से बैटर में हम डिप कर लेंगे। और अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे चूल्हे पर हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए बिठा दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे बैटर में डिप किया हुआ कैबेज रोल और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम तल लेंगे। तो देखिए हमारा पहला वाला रोल अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी इसे हम तेल से निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे रोल्स फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे रोल्स बना लिया है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।